हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी बाय टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स की। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर रहे थे और हमारा जो एम था, जो हमारा उद्देश्य था, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर, यानी कि आपको फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे क्या करना था, स्टडी करना था। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, वहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर को आप स्टडी करेंगे, क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट के। ठीक है, आपने क्या देखी थी, सिमेट्री भी देखी थी, अलग अलग बेसिस पे आपने देखा था यहाँ पर फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक को। आज हम क्या करेंगे, वीडियो एनिमेशन और सिमुलेटर के थ्रू जानेंगे कि आप किस प्रकार से प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे। तो एक बार आप क्या करेंगे, एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हमारे पास आए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियोस के थ्रू यहाँ पर जानेंगे फ्लावर के कैरेक्टर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अभी तक आपने बात की, आपने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, किसकी, फ्लावर की। फ्लावर आपके पास एग्जाम्पल में ये आए हैं। सबसे पहले आपने क्या कहा, बेसिक एनाटॉमी में आपने फ्लावर की देखी, जिसमें आपने देखा कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आपने कहा, बेस्ड ऑन सिमेट्री ऑफ फ्लावर कैन बी डिस्क्राइब इन अ फॉलोइंग टाइप्स। आपने सिमेट्री के बेसिस पे आपने क्या कहा, एक्टिनोमॉर्फिक, जिसमें आप फ्लावर को टू हाल्फ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे आपने एक्टिनोमॉर्फिक कहा था। जाइगोमॉर्फिक में आपने कहा, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाल्फ ओनली अलोंग वन वर्टिकल प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हैं, फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा है एसिमेट्रिकल, यानी कि आपने कहा कि फ्लावर विच कांट डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। यानी कि आपको क्या कहा जा रहा है कि आपने कहा कि कितने प्लेन हैं यहाँ पर, फ्लावर को आप कितने प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक में आपने कहा कि आप किसी भी प्लेन से कट करिए, आपको दो बराबर भाग मिलेंगे, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल आया है पिटोनियम। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक में आपने कहा सिर्फ एक ही प्लेन से आप क्या कर सकते हैं, प्लांट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपके पास पी का एग्जाम्पल आया है। तीसरा आपने कहा एसिमेट्रिकल, कि कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है कि जहां से आप दो इक्वल पार्ट्स में फ्लावर को डिवाइड कर सकें। ठीक है, पहला तो ये आपके पास कैरेक्टर आता है। चलिए नेक्स्ट आपने कहा, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलेक्स कोरोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज फॉलोइंग। आप देखिए, अब ध्यान दीजिए, हम कर क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि फूलों के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं और उसका आधार हम सबसे पहले देखेंगे। आप कोई भी कैरेक्टर देख रहे हो, आपने कहा कि आप किसी भी कपड़े के कैरेक्टर को देखते हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कलर कैसा है, डिजाइन कैसा है, ठीक है, फैब्रिक कैसा है, यही सारी चीजें होती हैं। यानी कि आप दो टी शर्ट को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसका एक आधार होता है। उसी प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, आप इन तीन फूलों को अगर कंपेयर कर रहे हो तो इन तीन फूलों का आधार क्या था, आपने कहा सिमेट्री किस प्रकार की है। ठीक है, सिमेट्री आप जानते हैं, सिमेट्री का मतलब होता है संरचना किस प्रकार की है। अब अगर हम बात करें, जब आपने यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया पढ़ा होगा, किंगडम एनिमेलिया में भी आप क्या पढ़ते हैं, आप ये देखते हैं कि सिमिट्री किस प्रकार की थी, किसमें, जिसमें आपने अलग अलग प्रकार की सिमिट्री देखी। आपने कहा क्या होती है, ए सिमिट्री होती है, बाइलेटरल सिमिट्री होती है, रेडियल सिमिट्री होती है। ये तो बात थी किसकी, जब आप किंगडम एनिमेलिया में पढ़ रहे थे, आपने कहा ए सिमिट्री होती है, यानी कि किसी में कोई सिमिट्री पाई ही नहीं जा रही है। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल में आए थे, आपका पहला फाइलम आया था स्पॉन्जेस, वैसे ही ए सिमिट्री यहाँ पर किसमें पाई जा रही है, आपने कहा ये वाला जो फ्लावर आपके पास आया है इसमें कोई सिमिट्री नहीं पाई जा रही है। एक्टिनोमॉर्फिक में आपने क्या कहा, कि आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कीजिए, यानी कि ये आपके पास एग्जाम्पल आया है, आपने कहा आप यहाँ से डिवाइड कीजिए, आप यहाँ से डिवाइड कीजिए, किसी भी प्लेन से डिवाइड कीजिए, शर्त ये है कि आपको सेंटर से गुजारना होगा, सेंटर से कट करना होगा आपको। ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। जैसे कि जब आप किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे थे, तो आपने क्या कहा था, रेडियल सिमिट्री कहा था इसी चीज को। आपने कहा रेडियल सिमिट्री में क्या होता है, आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास दो इक्वल हाफ आ रहे हैं। नेक्स्ट आपने कहा जाइगोमॉर्फिक, इसमें आपने क्या कहा, फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टी टू इक्वल हाफ्स ओनली अलोंग वन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, और अगर आप किंगडम एनिमेलिया की बात करेंगे, तो जाइगोमॉर्फिक को आपने क्या कहा था, बायलेटरल सिमिट्री कहा था। बायलेटरल सिमिट्री किसमें पाई जाती है, आपने कहा ह्यूमंस भी उसका एग्जाम्पल है। आपने जब ह्यूमंस को बीच वाले, सेंटर वाले पोर्शन से, मिड वाले पोर्शन से कट किया, तो आपके राइट और लेफ्ट साइड यहाँ पर अलग अलग हो जाती है।
राइट और लेफ्ट साइड जब अलग अलग हो जाती है तो आपने क्या कहा, दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और दोनों पार्ट कैसे ही इक्वल हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जहां से आप ह्यूमन बीइंग को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए ये सारी जो चीजें हैं आपको एनालाइज करनी है सिमिट्री को समझने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को सच में दो पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको इमेजिन करना है कि जो बायलेटरल सिमिट्री है या रेडियल सिमिट्री है या ए सिमिट्री है, ये किस प्रकार की होती होगी। सेम वही चीज आपको अप्लाई करनी है प्लांट्स में, जिसमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर के बारे में बताया गया। दूसरा आधार आपके पास क्या आया था, कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इनकी पोजीशन किस प्रकार की है ये आपको बताई गई थी। इसके आधार पर आपके पास अलग अलग फ्लावर आए थे, जैसे सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी में आपको क्या बताया गया था कि ओवरी की जो पोजीशन है वो सबसे टॉप में होगी और बाकी सारे पार्ट्स नीचे होंगे। बाकी सारे पार्ट्स आपके पास क्या आए हैं, आपने कहा कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है। फ्लावर के पार्ट्स जानते हैं आप लोग, चार पार्ट्स आते हैं आपके पास फ्लावर के। ठीक है, और उन चार पार्ट्स में आपने क्या कहा, आपने कहा कि कौन सा होता है, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है। बात हो रही है यहाँ पर गाइनोशियम यानी ओवरी की। आपने कहा सुपीरियर ओवरी, जिसे आप हाइपोगाइनस कहते हैं, इसमें हाइपोगाइनस के आपको हाइपोगाइनस में आपको ये बताया गया है कि जो यहाँ पर गाइनोशियम होगा वो क्या होगा, टॉप पोजीशन में होगा। जब आप वीडियो देखेंगे, एनिमेशन को देखेंगे, तब आपको इमेजेस क्लियर हो जाएंगे सुपीरियर ओवरी क्या है, हाफ इंफीरियर क्या है। हाफ इंफीरियर में आपको कहा गया है, इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन सेंटर एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द सेम लेवल। ठीक है, यानी कि सेम लेवल पर है। तीसरा आपने कहा है एपिगाइनस, यानी इंफीरियर ओवरी, ओवरी सबसे नीचे होगी और बाकी जो अदर पार्ट्स होंगे वो टॉप से वहां पर क्या होते हैं, ऊपर वाले पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जिसमें आपने कैलेक्स पढ़ा है, आपने कोरोला पढ़ा है। ठीक है, आपने क्या कहा था, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ सेम वर्ड्स आर कॉल्ड एस्टिवेशन। अब आपको बताया गया है एस्टिवेशन के बारे में क्या होता है। एस्टिवेशन जो पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट होता है और उनका नंबर होता है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसे आप कहते हैं एस्टिवेशन। जैसे कि आपके पास है वेलवेट, सबसे पहले आपको बताया गया है वेलवेट, इसमें आपको कहा गया व्हेन सेपल्स और पेटल्स डू नॉट ओवरलैप वन अनदर एट अ मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, वेलवेट में आपको क्या कहा गया है, ओवरलैप नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पे पेटल्स और सेपल्स होती हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरलैप नहीं करते हैं। जैसे कि वेलवेट में आपको ये एग्जाम्पल दिया गया, ये है आपके पास वेलवेट। ठीक है, दूसरा है ट्विस्टेड, सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप विद द नेक्स्ट सेपल और पेटल, यहाँ पर क्या करते हैं, ओवरलैप करेंगे पेटल्स और सेपल्स। ट्विस्टेड आपके पास आता है यहाँ पर, आप देख रहे हैं एक क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ये जो पेटल्स थी, इसने इसे ओवरलैप किया, इसने इसे ओवरलैप किया, इसने इसे ओवरलैप किया, पेटल्स यहाँ पर आपके पास आ रहा है ट्विस्टेड में। इम्ब्रिकेट में आपने क्या कहा, इफ अ मार्जिन ऑफ अ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन आर कॉल्ड इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरलैप हो रही है, ये पेटल्स इसको ओवरलैप कर रही है लेकिन यहाँ पर नहीं कर रही है, यानी एक फिक्स सीक्वेंस नहीं बन रहा। जैसे कि आपने ट्विस्टेड में देखा था एक फिक्स सीक्वेंस आपको देखने को मिला था, यहाँ पर आपको फिक्स सीक्वेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक है, वेक्सिलरी आपके पास आता है, आपने कहा अमंग फाइव पेटल्स द लार्जेस्ट पेटल्स ओवरलैप द टू लेटरल पेटल्स विच इज टर्न ओवरलैप टू स्मॉल एंटीरियर पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको वेक्सिलरी का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपको दो बड़ी पेटल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर एंड्रोशियम की। ठीक है, एंड्रोशियम के बारे में यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, कोरोला तक की बात हम कर चुके थे, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा एंड्रोशियम। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। एंड्रोशियम में आपको कहा गया है एंड्रोशियम is the third word of the flower which contain the male reproductive organ stamen. A stamen consists of a anther and a filament. सबसे पहले तो आप ये देखिए कि एंड्रोशियम क्या है, फ्लावर का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, कैलेक्स पढ़ा है। कैलेक्स जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, वो होता है आपका कैलेक्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास कोरोला। कोरोला यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, पेटल्स भी कहते हैं।
ये क्या है, सेकंड पार्ट आपके पास आता है जिसे आप पेटल्स कहते हैं, जो कि आपको क्या दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देती हैं। वो क्या होता है, यहाँ पे कोरोला होता है। अब कोरोला में आपने नेक्स्ट पढ़ा था, आपने कहा था कि यहाँ पे पेटल्स और सेपल्स का जो यहाँ पे अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने क्या पढ़ा, एस्टिवेशन पढ़ा था। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आपके पास आता है फ्लावर का, दैट इज एंड्रोशियम। ठीक है, ये क्या है, एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम इज द थर्ड वर्ड ऑफ द फ्लावर विच कंटेन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि ये थर्ड पार्ट है एंड्रोशियम फ्लावर का जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, यानी कि एंड्रोशियम को आप क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं किसी भी फ्लावर का। अब आपको ये बताया गया कि एंड्रोशियम दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को आप कहते हैं फिलामेंट। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई गई है। ठीक है, ये स्टेमेन के आपके पास क्या आ गए हैं, अलग अलग इमेजेस आ गई हैं। तो जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो सेम है, जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका क्या होगा, एंथर होगा। ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपका फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट ही नीचे फ्लावर से अटैच होता है। ठीक है, और इसी एंथर में क्या होते हैं, गैमेट यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपने कहा था स्टेमेन आर वेरियसली फ्यूज्ड अमंग देमसेल्फ, दे कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो यहाँ पर जो स्टेमेन होते हैं वो आप अलग अलग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इमेजेस देख रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, अलग से फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि आपने यहाँ पर जो एंथर एंथर का आपने डायग्राम अलग से देखा, यहाँ पर आपको अलग दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर फिलामेंट है वो ऊपर तक पहुंचा है। यहाँ पर आपको जो एंथर और फिलामेंट है वो अलग सा दिखाई दे रहा है। बेसिकली आप इसी वाली इमेजेस को ज्यादातर यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल अलग ही इमेजेस दिखाई दे रही। तो क्या डिफरेंस होता है इनमें, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मोनो एडाल्फस। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेमेन मे बी यूनाइटेड इंटू वन बंच ऑफ और वन बंडल, एग्जाम्पल है चाइना रोज। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, जो स्टेमेन है वो यूनाइटेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाइडाइफस। आपने कहा स्टेमेन मे बी यूनाइटेड इंटू टू बंडल्स, एग्जाम्पल है पी, यानी कि जो स्टेमेन होता है वो दो बंडल में यूनाइटेड हो सकते हैं। तीसरा आता है पॉलीएडल्फस, यानी कि स्टेमेंस मे बी यूनाइटेड इंटू मोर देन टू बंडल्स, एग्जाम्पल है सिट्रस, एग्जाम्पल आपको अलग अलग दिखाई दिए हैं। दूसरा बेसिस आपके पास क्या आता है, आपने कहा बेस्ड ऑन अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब आपको ये बताया गया है कि जो यहाँ पर फिलामेंट है वो किस प्रकार से एंथर से अटैच है, ये आपका एंथर है, ये फिलामेंट है, दोनों अटैच है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से अटैच है उसके अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आए हैं, स्टेमेन आए हैं। सबसे पहले आपका आता है बेसिफिक्स। ठीक है, जो कि पहली इमेज आपके पास है, बेसिफिक्स में आपको क्या बताया गया है, फिलामेंट ऑफ स्टेमेन इज अटैच टू द बेस ऑफ द एंथर। यहाँ पर जो फिलामेंट है वो एंथर के बेस से अटैच है। ठीक है, कहाँ से अटैच है, बेस से अटैच है, जिसे आपने क्या कहा, बेसिफिक्स का, यानी कि बेस से जो यहाँ पे फिक्स होगा उसे आप बेसिफिक्स कह रहे हैं। दूसरे एडनेट, यानी कि यहाँ पर आपको सेकंड वाली जो इमेज दिखाई गई है इसमें आपसे कहा गया है फिलामेंट अटैच अलोंग द होल लेंथ ऑफ एंथर, यानी कि यहाँ पर जो फिलामेंट है वो यहाँ से यहाँ तक अटैच है। ठीक है, आप इमेजेस में क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस यहाँ पर आया है। तीसरा है डॉर्सिफिक्स। डॉर्सिफिक्स में क्या है, फिलामेंट अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर, यानी कि एंथर के बैक से अटैच है, जिसे आप डॉर्सिफिक्स कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एंथर के बैक से फिलामेंट अटैच है। नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल, इसमें क्या है, एंथर लोब्स अटैच विद फिलामेंट इन द मिडिल पोर्शन विद बोथ एंड्स फ्री। अब यहाँ पर आपको ये बताइए कि जो यहाँ पर एंथर है वो फिलामेंट से मिड से कनेक्टेड होता है, और इसके जो यहाँ पर जो एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास क्या है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्या आते हैं, एंथर आते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि सारे फूल एक जैसे आपको नहीं दिखाई देते हैं, उनका शेप अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, उनका कलर अलग होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं, डिफरेंस यहाँ पर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है सबसे लास्ट पार्ट जो है गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो गाइनोशियम क्या है, सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, यानी कि फ्लावर का सबसे अंदर का जो पार्ट है वो है गाइनोशियम, जो कि फ्लावर का क्या है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, फीमेल
फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, आपने कहा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट में आपने डिवाइड करके देखा है। तो देखते हैं आपको गायनोशियम के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आपने कहा गायनोशियम इज द इनरमोस्ट वॉल ऑफ अ फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर यूनिट्स कॉल्ड कार्पल्स, ईच कार्पल्स इंक्लूड एन ओवरी, अ स्टाइल एंड अ स्टिग्मा कार्पल्स आर टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन फ्यूजन। ठीक है, आपको जो ओवरी है, जो आपकी पिस्टिल है या गायनोशियम है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए, अब आपको कहा गया जो कार्पल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, फ्यूजन पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो एपोकार्प्स आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एपोकार्पस आपको दिखाया गया जिसमें कार्पल्स फ्री फ्रॉम ईच अदर, एग्जाम्पल लोटस, यहाँ पर जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे से फ्री रहते हैं। ठीक है, और दूसरे सेन कार्पल्स, कार्पल्स फ्यूज्ड विद ईच अदर, एग्जाम्पल मस्टर्ड। देखिए क्या होता है, एक फूल में एक से ज्यादा कार्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, अब कहा गया कि या तो कार्पल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं या तो एक दूसरे से फ्री हैं। ठीक है, तो कार्पल्स के फ्यूजन के अकॉर्डिंग भी दो प्रकार के कार्पल्स आपके पास आए हैं। दूसरे, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा बियरिंग ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड अ प्लेसेंटेशन, इट इज फॉलोइंग टाइप्स। अब प्लेसेंटेशन के अकॉर्डिंग आपके पास अलग अलग प्रकार के क्या आए हैं, यहाँ पर कार्पल्स आए हैं। चलिए, सबसे पहला है मार्जिनल। मार्जिनल में आपको बताया गया द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग अ वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन दिस रिजिड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्जिनल टाइप का बताया गया है। दूसरा है एक्सिल, जिसमें कहा गया कि मार्जिन्स ऑफ कार्पल्स फ्यूज टू फॉर्म अ सेंट्रल एक्सिस, एग्जाम्पल टोमेटो, ये आपके पास एक्सिल की इमेज आई है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट आपने कहा पेराइटल, द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, एग्जाम्पल है मस्टर्ड, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस से क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इनर वॉल से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, ये आपका पेराइटल, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इनर वॉल है। नेक्स्ट आपने कहा फ्री सेंट्रल, यानी कि ओव्यूल्स बॉर्न फ्रॉम अ सेंट्रल एक्सिस एंड लैकिंग सेप्टा, एग्जाम्पल है चिली, यहाँ पर आपको फ्री सेंट्रल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सेप्टा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, आपको कोई भी सेप्टा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है बेसल, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, एग्जाम्पल सनफ्लावर, यहाँ पर आपका क्या है, बेसल टाइप का आपके पास प्लेसेंट कार्पल्स आए हुए हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक बार देखिए आप अलग अलग टाइप्स के जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप एक बार उसे ऑब्जर्व कीजिए। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले फ्लावर के बारे में आपको कहा गया है एम्ब्रिकेटेड है, एम्ब्रिकेट है, पेडिसिलेट है, कंप्लीट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बायसेक्सुअल है, एंड पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है, ये क्या है, आपके पास फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। कैलेक्स है, कैलेक्स के बारे में, किसके बारे में आपको बताया गया है, पिटूनिया के बारे में। ठीक है, आप ऊपर नाम पढ़ेंगे फ्लावर के, किसके कैरेक्टर है ये, आपने कहा पिटूनिया है, फैमिली सोलेनेसी है यहाँ पर। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, आप पिटूनिया के कैरेक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, ये पिटूनिया का फ्लावर आपके पास आता है। ठीक है, कैलेक्स का आपको बताए रखे हैं कि सेपल्स फाइव हैं। ठीक है, गैमो सेपलस है, क्या होता है गैमो सेपलस, हमने ऊपर बात की थी, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ग्रीन है, वेल्वेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन आपको कहा गया, वेल्वेट एस्टिवेशन हमने पढ़ा था, हमने कहा था पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार का है, उसे हम क्या कह रहे थे, एस्टिवेशन कह रहे थे। कहाँ है आपके पास वेल्वेट एस्टिवेशन, ये आता है आपका वेल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, इस प्रकार का आपको दिखाया गया है यहाँ पर पिटूनिया में। नेक्स्ट आपने कहा कोरोला, पेटल्स फाइव हैं, गैमो सेपलस हैं, व्हाइट एंड पर्पल हैं, ये आपको कलर बता रखा है, व्हाइट एंड पर्पल हैं, यहाँ पर भी क्या है, वेल्वेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंड्रोशियम के बारे में आपको कहा गया स्टेमेन फाइव है, यहाँ पर एपीपेटलस है, एंथर बेसी फिक्स्ड है, कैसे है, एंथर बेसी फिक्स्ड है, टाइथिकस है। ठीक है, गायनोशियम के बारे में आपको कहा गया है कि बाइकार्पलरी है, सिन कार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, कैसी होगी ओवरी, सुपीरियर होगी, देख लेते हैं कहाँ पे आपके ओवरी, यह है ओवरी, ओवरी आपको बताया गया सुपीरियर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, एक्सिल प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, आपने कहा एक्सिल प्लेसेंटेशन है। ठीक है, ये आपके पास इस प्रकार का एक्सिल प्लेसेंटेशन आया है, और स्वेलन प्लेसेंटा यहाँ पर है, ये आपके पास पिटूनिया का फ्लावर है जिसे आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रकार से। ये आपके पास फ्लोरल डायग्राम आता है जिसमें आपके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो यहाँ पर
आ जाते हैं, ठीक है। यह है पेटूनिया फ्लावर, यह है फ्लावर का एलिस जिसमें आपको सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यह है यहाँ पे गाइनोशियम की इमेज आपको दिखाई गई है, तीन पार्ट आपको गाइनोशियम के दिखाए गए हैं। यह है स्टेमिन जिसके दो पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्वीट पी, फैमिली है फैबेसी, ठीक है। स्वीट पी के बारे में आपको फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या दिखाए गए हैं, देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है फ्लावर, दोनों को आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। चलिए अब फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देख लेते हैं। आपने कहा जो फ्लावर होगा वो ब्रैकेट होगा, पेडिसिलेट होगा, कंप्लीट है, जाइगोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है एंड पेंटामेरिस। अब सारे कैरेक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए आपको एक ही शब्द में पता चल जाना चाहिए, ठीक है। कैलेक्स यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पे जो सेपल्स है वो 5 है, गैमोसेपल्स है, ग्रीन होंगे कलर में, वेलवेट एस्टिवेशन है और सेपल इंटीरियर है, ठीक है। कोरोला कैसे है, 5 पेटल्स है यहाँ पर, पॉलीपेटलस है, पेपिलोनेसियस है और वेक्सिलरी एस्टिवेशन यहाँ पर पाया जा रहा है। एंड्रोशियम के बारे में आपको बताया गया कि जो स्टेमेन 10 है यहाँ पर और डाई एडल्फस है 9+1 में, 9 स्टेमेन है यूनाइटेड एट द बेस एंड 10th स्टेमेन इज फ्री, एंथर बेसी फिक्स्ड है और डाइथीकस है, ठीक है। गाइनोशियम के बारे में कहा गया है कि मोनोकार्पलरी है, ओवरी सुपीरियर है, यूनि लोक्युलर है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ठीक है। ये आपके पास आए हैं अलग अलग पार्ट के सारे कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है स्वीट पी का फ्लावर, ठीक है, ये है वीएस ऑफ फ्लावर, यह स्टेमेन 9+1 आपको दिखाया गया है इस प्रकार से। ये आपको गाइनोशियम का डायग्राम दिखाया गया है, स्टिग्मा स्टाइल ओवियन पिस्टल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइनोशियम को आपने ऑब्जर्व किया, जब आपने ऊपर पिटूनिया का गाइनोशियम देखा था कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपने देखा था, ठीक है। जब आप यहाँ पर स्वीट पी का गाइनोशियम देख रहे हैं तो आप इस प्रकार की इमेज देख रहे हैं, डिफरेंस है यहाँ पर स्ट्रक्चर में, ठीक है। पेटल्स में भी यहाँ पर क्या है आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, अगर आप पेटल्स देखेंगे इस प्रकार की पेटल्स हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक फ्लावर में क्या होता है, अलग अलग फीचर्स होते हैं, वही आपको ऑब्जर्व करने हैं, ठीक है। यही चीजें आपको क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है। अब एस्पार्गस आपके पास नेक्स्ट फ्लावर आता है, इस प्रकार से आपके पास फ्लावर है और आप क्या करेंगे, ये फ्लावर के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर हैं देख लेते हैं एक बार। आपने कहा ब्रेसिएट है, पेडिसिलेट है, इनकम्प्लीट फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है और ट्राइमेरस है, ठीक है। टेपल्स है वो आपने कहा 6 है, 2 वॉल्स ऑफ 3 ईच वाइड। एंड्रोशियम स्टेमेन 6 है, एंटीफाइलस है, एंटीरियर बेसिक फिक्स्ड है और डाइथिकस है। गाइनोशियम में आपको कहा गया है ट्राइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, ट्राइलोक्युलर है, एक्सिल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपके पास है फ्लावर और ये आपके पास फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, एक एक करके इन्हें ऑब्जर्व करते रहेंगे। ये इसके फ्लावर आ गए हैं, ये वीएस है फ्लावर का। और नेक्स्ट आपके पास आती है अनियन फैमिली, ठीक है। अनियन फैमिली के क्या क्या कैरेक्टर आपको बताए गए हैं, आपने कहा प्रेस्टिएट है, पेडिसिलेट है, इनकम्प्लीट यहाँ पर है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है और ट्राइमेरस है। टेपल्स में आपने कहा 6 है, 2 वॉल्स ऑफ 3 ईच, पेटलॉइड है और वाइट है। एंड्रोशियम में आपको कहा गया स्टेमेन 6 है यहाँ पर, पॉली एंड्रस है, एंटीफाइलस है, एंथर बेसी फिक्स्ड है, ठीक है, डाइथीकस है। और गाइनोशियम में आपने कहा ट्राइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है यहाँ पर, ट्राइलोक्युलर है, एक्सिल प्लेसेंटेशन है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपने कुछ लाइन में ही फ्लावर के बहुत सारे कैरेक्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपने 4-5 लाइनों में ही फ्लावर के बहुत सारे कैरेक्टर कैसे पढ़े हैं, क्योंकि आपको ऊपर की चीजें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि गाइनोशियम, गाइनोशियम के टाइप क्या है, आपने कहा एक्सिल है, पेरिटल है, फ्री सेंट्रल है, बेसल है या मार्जिनल है, क्या होता है इनका मतलब। जैसे कि एंड्रोशियम में आपने कहा बेसी फिक्स्ड है, आपने बार बार क्या पढ़ा है, बेसी फिक्स्ड यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। एस्टिवेशन में आपने बार बार क्या पढ़ा है, वेलवेट आपने पढ़ा है, ठीक है, एम्ब्रिकेट भी आपने पढ़ा है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्या करेंगे, एक लाइन में फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सकते हैं। चलिए तो क्लास हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है। आपने क्या करना है, थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल होगा उसमें अब हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, जानेंगे कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप इमेजेस देखेंगे अलग अलग फ्लावर की,
जिससे कि आपके जो भी डाउट अभी तक होंगे वो और क्लियर हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।